Good. How are you? Well, I'm just actually firstly want to say that I'm very honored to be here to receive an award from Dadasaheb Phalke International Film Festival at this. For being the Style Influencer of the Year is a great honor, and style is something that is very important to me and very close to me in my personal life and professional life. And to be awarded for something like this from an institution like this is I'm very honored. Award hai Style Influencer of the Year. That means I influence people with my style, but you know, I try my best, and it's just I'm really honored to be here, man. Yeah, 3 days should be releasing on the 25th of May. It's been in the pipeline for a very long time. It's been stuck for some time. But like we say that everything happens in divine right timing, this shall also be. Pardon me? मैं कहना चाहूँगा कि या तो हम लोग ये समझ लें कि हम लोग आंखें बंद करके हम लोग बैठ चुके हैं, एंड वी आर जस्ट कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ आर इमोशंस एंड वी आर एक्सेप्टिंग द शेम, और वी स्टैंड अप एंड फाइट फॉर व्हाट इज राइट, एंड पीपल हु हैव डन द क्राइम शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट दैट. काफी स्टाइलिश हेयर है आपके, पीछे का है या आपके अपकमिंग फिल्मों का, या आपके पीछे के जो बाल हैं वो भी मेरे हैं, तो मैंने सोचा कि सिंस इट्स ग्रोइंग इट्स जस्ट फॉर फन. इसके अलावा फिटनेस, लव, मैरिज की कुछ टिप्स देने वाले आप लोगों को, उसके बारे में जरा बताइए. फिटनेस, लव और मैरिज के बारे में मैं कोई टिप्स देना नहीं चाहूँगा. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, and don't forget that everything requires that much effort and that much patience and that much love. Upcoming project agar share karna chahe, 3 days should be releasing soon on the 25th of May. Kafi time tak it was stuck, and now I think it's time for it to come out. Thank you. 27th of this month should be the launch of the trailer, so hoping that everyone likes that. Thank you. ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, और मैं बहुत ही, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू रिसीव दिस अवार्ड. और मैं टेलीविज़न की बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ, और आई विल ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू टेलीविज़न फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटीज़. And getting this award just means that I am heading where I should be. So thank you. बहुत सारे youth हैं जिन्हें दादासाहेब के बारे में बहुत ही कम बातें पता है, तो आप ऐसे youth के लिए कुछ message देना चाहेंगे आप? ये हमारे founding father है, तो ये award जो है, और ये जो इनकी जो, अगर इनके नाम का हमें कोई award मिल रहा है तो वो बहुत ही prestigious है, और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे इस अवार्ड को दिया, लेकिन मुझे इस अवार्ड को दिया जाए. साड़ी है, नो इट्स अ साड़ी, दैट्स ऑल आई हैव टू से टू इट. कैमरा सेंटर लोग वेरी गुड, पीपल लविंग यू, थैंक यू. सॉरी, आई एम जस्ट वेरी वेरी, अगेन आई विल से आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, and I'm very very grateful to people who give me the opportunities to do what I love to do, and also for all the people who love my work, who support my work, who have been consistent with me throughout my journey,
And as I grow, they grow, and I hope that this journey of growth never ends for me. I just think that it's the most disgusting thing for humans to even have to protest about. I mean, this is something that is monstrous, is disgusting, and I really think the people should be killed. Thank you. कोई कुछ पूछेगा तो मैं बाइक दे दूँगा यार. हर अवार्ड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बहुत ही टैलेंटेड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग लोग आएंगे और आप उन लोगों से मिल पाओगे, एंड सम ऑफ अस आर गोइंग टू बी गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर द हार्ड वर्क दैट वी हैव डन, सम विल बी अप्रिशिएटेड एंड अदर्स विल बी क्लैपिंग सेइंग दैट दैट्स सच अ गुड ईयर दैट हैज वेंट बाय. सो आई थिंक वो ही हर एक अवार्ड फंक्शन की होती है, बट व्हेन इट इज नेम्ड आफ्टर दादा साहब फाल्के इट ऑलवेज इज अ बिग डील बिकॉज वी ऑल लर्न सो मच, वी ग्रोन अप सो मच हियरिंग अबाउट हिम, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अप्रिशिएटेड फॉर एवरीवन हु इज बीइंग अवार्डेड टुडे. हाँ जी हाँ जी. मुझे आज मिल रहा है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए, बट यू नो दैट्स सो स्ट्रेंज कि टीवी पर जब तक मैं नहीं आया था, मैं पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ, यू नो इट इज़ सो स्ट्रेंज कि आपके 12 सालों की मेहनत तब आपको दिखती है जब आप टीवी पे आते हो. जैसे आप लोग कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो, कितना काम करते हो, वो अप्रिशिएट नहीं होता, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. आई हैव रियलाइज दैट आई हैव बीन द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू हेड MTV. And for me, that has been one of my biggest achievements. But the biggest achievement right now for everyone is that I was in Big Boss and I've done well there. So I think ये सारी मेहनत आपके साथ में आती है, and then you get awarded or rewarded in different ways. So I just really feel that success जो होती है ना, which is when opportunity meets preparation. So I think वो preparation थी, ये opportunity है. So I think it's a very very good thing that all of us, not just me, and the others who are being awarded today. हाँ जी. मेरा जो पहला शो है एज अ प्रोडक्शन हाउस में, विच इज़ पंचमीट, विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग शॉट नाउ. एवरीवन इज़ राइट नाउ बॉक्सिंग हो रही है, किसी की एक्टिंग वर्कशॉप्स चल रही हैं, एंड माय ओन शो दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 weeks. सो प्रोमोज हिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से चैनल में आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कपल्स आ रहे हैं, मुझे इतना मालूम है जोड़ीज आ रही हैं. जोड़ीज माँ बेटे की भी होती है, भाई बहन की भी होती है. सो इट बी एक्साइटिंग टू सी जोड़ीज बिकॉज हमेशा फ़न होता है. जैसे जब भी कोई दो लोग एक दूसरे को जानते हैं और जब जाते हैं शो के अंदर तो कितना हंगामा हो जाता है. जैसे मैं और प्रियांक एक दूसरे को जानते थे, हमें लगा था हम बड़ा मिल के खेलेंगे, सबसे अगेंस्ट हम ही लोग खेलें एक दूसरे के. तो आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग कि जो भी जोड़ी आएगी तो वो रिश्ते निभाएगी या गेम खेलेगी. बहुत बहुत एक्साइटिंग होता है. सो इट विल बी वेरी वेरी फन. देखिए मैंने फॉलो नहीं कर पाया हूँ मैं, पर मैं जितना सुन रहा हूँ उतना बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है. मतलब मैं अभी किसी का रिव्यू पढ़ रहा था और इसीलिए मुझे जाकर देखना है हाउ एक्साइटिंग इट इज़, क्योंकि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है और मैं इतनी अच्छे समझ नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाया हूँ उस शो को प्रॉपरली. पर उसमें कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लोग हैं, जिनमें से एक को मैं जानता हूँ पवित्र से. सो आई वॉन्ट टू सी हाउ एक्साइटिंग इज गोइंग टू बी, तो मैं 100% कैच करने वाला हूँ. थैंक यू. सी आई हैवंट सीन द शो, बट आई लाइक शिल्पा शिंदे वेरी मच. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट शी इज डूइंग सो वेल. आई सी हर स्निपेट्स ऑल द टाइम एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट शी इज डूइंग सच गुड वर्क. सो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि काम नहीं है, बहुत काम कर रही है, सबसे ज़्यादा काम वही कर रही है इस पर, है ना. सी यू गाइस. Hi, how are you? मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता.
मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बट मुझे लगता है कि भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छा करता है। मेरे साथ तो अभी तक अच्छा ही किया है, चाहे वो लाइफ को लेकर हो, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो। तो अभी जा रहे हैं, अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो। और बाकी अभी उन्होंने इन्वाइट किया है एज अ कपल फर्स्ट टाइम, कोई हमारे बहुत Yeah, it's a. I mean, I've been hearing about this award since very long. काफी समय से मैंने and अच्छा लगता है जब आपको इतनी respectful जगह बुलाया जाता है, invite किया जाता है and we are happy to be here. Gonna enjoy the awards and let's see what happens. जी, सोशल मीडिया पर आप लोगों की जोड़ी को काफी appreciate पसंद किया जा रहा है. आप लोग भी पढ़ते होंगे, देख रहे होंगे. क्या देख होता है आप लोग इस तरह से जब हाँ बिल्कुल, जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी मिलती है, क्योंकि जो हमारी उम्मीदें हैं लोगों के साथ वो हमेशा उस पर खड़े उतरते हैं और हम उन पर खड़े उतरते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं हम एक साथ देखना। तो हमें जब जब मौका मिलता है हम एक साथ काम करते हैं, जब मौका मिलता है हम एक साथ डिनर पर जाते हैं, हम पिक्चर हमेशा डालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम सारी मेमोरीज उनके साथ शेयर करें ताकि वो और हमारे साथ कनेक्ट रहें। सो ब्यूटीफुल, जब विद टाइम व्हेन वी आर नॉट पुटिंग पिक्चर्स वो हमें रिमाइंड कराते हैं हमारी पुरानी फोटो अपलोड करके, यू नो दिस वाज द मेमोरी। सो आई थिंक वी आर लकी टू हैव सच लव, हमें अनकंडीशनल जो प्यार मिला है हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। हम शुक्रगुजार हैं अपने सब फैंस फैमिली का जो हमें इतना प्यार देते हैं। आई थिंक वी आर लकी टू हैव देम, वी आर लकी टू हैव। ओके, प्रिंस एंड प्रिंसेस लग रहे हैं आज की शाम आपको, एक दूसरे के ड्रेस को ड्रेस को इनके ड्रेस को मैंने बहुत टाइम लगाया। यस, कुछ टाइम से मैं कभी मैं इनको बोल देता हूँ कि शायद आपको ज़रा अच्छी लगेगी, वरना ये खुद ही इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कभी कभी होता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे पास ये पहना हुआ था, आप ये पहन के देखो अच्छा लगेगा। सो आज की मेरी थी, और ये भी मुझे हेल्प करती हैं कुछ अभी, मैं आपको ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए। पर कई बार क्या होता है मैं मूवमेंट चेंज हो जाता है मेरा, मुझे लगता है कि यार नहीं यार मेरे खुद अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यू नो जो मैं बोल के कुछ और आती हूँ कि आपको ये डालना है, ये डालना है, इज लाइक ओके नाउ माय टर्न। मैंने बोला ना प्रिंस विल ऑलवेज सरप्राइज। तीन चार आउटफिट हैं वो प्रिंस विल डिसाइड सडनली, यू नो। आई थिंक मैं मुझे वो पसंद नहीं आया, आई सेड आपको पसंद नहीं, कुछ और किया था, आप पहन क्या रहे हो। ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ही फील्स ये आप कंफर्टेबल होना चाहिए लाइफ में। आई थिंक मुझे लाइक ज़्यादा 120 ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे लगे कि मैं राइट नाउ इज लाइक शुड आई वेयर दिस और नो, मैं शर्ट में चलता हूँ, सिंपल चलता हूँ। अभी बहुत टाइम है भाई, अभी काम कर रहे हैं, अभी शादी की न्यूज़ देगी, अभी शादी करेंगे, इसके बाद टाइम तो यार से नहीं भाग रहे हैं हमारे लिए थोड़ा स्लो। ओके, थैंक यू everybody. Hello Rajni ji. Hello. Dada Saheb Phalke award. Kya expectation rakhi aaj ki shaam ko lekar? I hope to. Ji. Kya pata aapka itna expectation rakhi aaj awards ko lekar? देखिए आजकल इतने सारे बट दैनिक भास्कर जो है ये एक बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, तो जब न्यूज़पेपर वाले अवार्ड्स देते हैं तो आई थिंक पब्लिक के चॉइसेस को मद्देनज़र रख के देते हैं, बिकॉज उनको डायरेक्ट फीडबैक ऑडियंस से मिलता है। सो दैट इज़ वाई दीज अवार्ड्स आर वेरी स्पेशल विच आर कनेक्टेड टू न्यूज़पेपर्स एंड टैबलॉइड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली अवार्ड विच आई हैव नेवर रिसीव्ड। सो आई एम अ लिटिल I think I'll have to do one more job very quickly and try to win this award as well. He's the first man of the cinematic journey of our country. So I think all respect to sir. And हमने एक episode भी किया था जिसमें हमने दादा साहब फाल्के sir को पूरा tribute दिया था उनकी journey को. So bow down and all the respect, massive respect to sir. I don't know why, but my hairstylist just wanted to sprinkle some silver dust on my head
So she said, let me be your fairy or like angel godmother for today, and let me just like put some silver dust on your head. And the outfit is designed by Babita Malkani. So I would like to thank her for that. अभी मैंने दो एपिसोड शूट किए हैं एंटरटेनमेंट की रात के, वो अभी ऑन एयर आएंगे. उसके बाद में लेट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैपन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या लग रहा है मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल और यूट्यूब कम्युनिटी को फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से नॉमिनेट किया गया है इस साल, एंड दादा साहेब फाल्के जी के कैटेगरी में नॉमिनेट होना मेरे ख्याल से इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए नहीं है. और हम यंग ऑडियंस को पता होना चाहिए कि दादा साहेब कौन थे, उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सो आई एम वेरी ग्लैड. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मुझे बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. तो डिजिटल फील्ड को फर्स्ट टाइम सुना है कि दादा साहेब जी का एक इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है. सो आई एम वेरी ग्लैड. सो मेरे सारे फैंस जो भी है यूट्यूब पे, जो भी यंग ऑडियंस है, उनको पता होना चाहिए कि दादा साहब कौन है. सो आई एम वेरी ग्लैड. बहुत बड़ी बड़ी बात है. आशीष आप पॉइंट पर आज की सारी वीडियो उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, उनके साथ तो मैंने एक वेब सीरीज की थी बस. तो है एकता मैम, शी उनको मेरा काम बहुत पसंद है, एकता कपूर जी को. सो दैट्स इट. मैं उस वे में जुड़ा हुआ हूँ उनसे. देखिए, न्यूज़ तो फेक हर जगह होती है मेरे हिसाब से, डिजिटल में हो, बट गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए. जो रियल है, मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक के सामने भी वैसा ही रहूँ जैसा हूँ. अपने फैंस के, अभी भी मेरे को कोई बंदे मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डर रहा था मिलने से, मैं बोला नहीं बिंदास मिला करो. क्योंकि मैं आई बिलीव हम यूट्यूबर्स वी कम फ्रॉम द पब्लिक, हम बॉर्न सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, वी आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून. सो हम आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यस, तो वही है, हम जो है सामने ही है, कभी ऐसे ऐसे ही रहने वाले हम. नहीं नहीं, कोई पंच लाइन नहीं. ये नहीं नहीं, ये टीवी पे आने वाला है तो पॉसिबल नहीं है. और दादा साहेब फाल्के जी का अवार्ड है यहाँ पे, मैं अपना कुछ वरी नहीं. आई गेट अ लिटिल कॉन्शियस अगर मेरे को कोई मीडिया के सामने बोलता है सब करने का. नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. मैं लिटिल कॉन्शियस, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशंस के साथ आऊँगा पक्का. ओके, थैंक यू गाइज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाई गाइज, वी आर GBG गाना फाड़ू गैंग, एंड आप लोगों ने बीट बॉक्सिंग तो सुनी होगी. तो वी आर द फर्स्ट बैंड इन इंडिया हु इज डूइंग म्यूजिकल बीट बॉक्सिंग. और ये बहुत ही अलग बैंड है, क्योंकि यहाँ पे GBG सारों के नाम है और हमने उसी नाम से हमारे बैंड का नाम रखा है, गाना फाड़ू गैंग. द नेम इज गाना फाड़ू गैंग. गौरव पॉलमी, गौरव प्रदीप, GBG गाना फाड़ू गैंग. तो दिस इज द ब्रेक. थैंक यू गाइस, एंड वी विल बी बैक सून. थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस. मेरे दो तीन गाने निकल रहे हैं अभी. मेरा एक शूट हुआ है बैंग में, फाइनली शूट हो गया है, May 15 को अभी निकल रहा ही है. और मेरे दो और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मिस्टर बाज हुज गिवन हिट्स लाइक तीन पैग, उसने मेरा बैंग बैंग गाना बनाया है, एंड वी हैव प्रिया एंड हु सिंगिंग इन इट. तो बस वो गाना आ रहा ही है, शूट हो गया है. सो वी जस्ट गोना गेट रेडी फॉर इट. व्हाट्स अप? बहुत ही यूनिक नया पहना आपने कुछ. या मैन, सुपर कूल मैन. कैन यू शो दैट? या. ऑलराइट. मैं पहन रहा हूं पूजिता सराफ, शी स्टाइल मी, एंड यू कैन लुक एट इट अगेन. कम हियर मैन, लुक एट दिस. मेरी जो डिज़ाइनर है पूजिता सराफ, शी इज़ वेरी वंडरफुल एंड वेरी कूल है. शी लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट. और मैं हूँ एक रैपर रॉक स्टार, सो आई चेंज, आई हैव फन क्लोथ्स, इट्स फन. ऑलराइटी.
All good, my friends. All right, सब लोग bang bang करेंगे तो यही है, आपको पता है अभी गाना यही आ रहा है. Hey, I got the guts. Bang. नहीं तुम लोग बहुत boring हो, हमेशा बहुत boring हो जाते तुम लोग यार, क्या हो जाते. Yo, I got the guts. Yes, I'm a thug. Bang bang. Make it jail. Phalke awards. Bang bang. All right, guys, enjoy yourself. See you, mate. Peace out. बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और हम सभी आर्टिस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है. शुड आई रिपीट? श्योर. इट्स दादासाहेब फाल्के अवार्ड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरी आर्टिस्ट लाइफ और बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अवार्ड, बहुत अहमियत है इसकी हम सब आर्टिस्ट के लाइफ में. और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे होके. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम इनवाइटेड एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग. इट गिव्स मी इमेंस प्राइड टू बी हियर दिस इवनिंग एंड टू बी अमंगस्ट द पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर अमंगस्ट द दादासाहेब फाल्के नॉमिनेटेड पीपल फॉर द अवार्ड्स. सो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वेरी मच, थैंक यू सो मच. अटायर के बारे में जानना, मैंने जो अटायर पहना है ये बहुत एलिगेंट, बहुत ज़्यादा ग्लिटर ब्लिंग वाला एक अटायर है. गाउन है, ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन मेड बाय अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर. शी इज़ कॉल्ड नालंदा भंडारी एंड दिस इज जस्ट लाइक मी. दिस गाउन जस्ट डेपिक्स मी एंड माई पर्सनैलिटी बिकॉज इट्स गॉट सो मच ब्लिंग, सो मच ग्लिटर, सो मच ऑफ एलिगेंस एंड आई थिंक it's just a perfect wear for this beautiful and a special evening. Jab dhamaka hoga to awaaz aayegi. Ji, thank you so much, thank you so much guys, enjoy your evening. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अटेंड करने के लिए. जैसे कि थीम का नाम है अप्रिसिएशन टू द क्रिएशन, तो जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है, जो जो कुछ जिन्होंने एक्टिंग की है, जो भी डायरेक्शन, हर चीज, हर लोगों ने जो मेहनत की है उनको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा. तो मैं भी वही विश करता हूँ, जैसे मैं नॉमिनेटेड हूँ तो आई ऑल्सो विश दैट आई ऑल्सो गेट एन अवार्ड. काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज भी होने वाली है लोगों की, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो होती है, तभी हम आए हैं यहाँ पर. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और डेफिनेटली होपफुली आई गेट एन अवार्ड ऑल्सो. जी हाँ, अभी आज मैं पूरा बेज में हूँ और ये आउटफिट मैंने खुद ही डिज़ाइन की है. तो हाँ, डिफरेंट लुक है और आई एम लविंग इट. आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच. या पहली बात, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है, मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया है. आई एम हियर फॉर माई फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड विकास गुप्ता, इज गेटिंग एन अवार्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर हिम. वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. आई मीन इट्स ऑनर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर, इट्स ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड सेरेमनी एंड it's a very big honor to get that award. I think main wahi kehna chahunga jo puri duniya keh rahi hai, justice for Asifa. I think whoever are the culprits should be dealt with, given severe punishment, and government should act on it. So much, thank you.